कौन बनेगा इस हफ्ते घर का नया कैप्टन? बिग बॉस 13 के आज के एपिसोड में हमने देखा कि पूरा घर नॉमिनेट हो गया, तो वहीं कल के एपिसोड में आप देखेंगे बिग बॉस देंगे कैप्टेंसी टास्क। जो भी कैप्टेंसी टास्क जीतेगा यानी कि कैप्टन बन जाएगा वो इस हफ्ते घर से बेघर होने से सेफ हो जाएगा। कैप्टेंसी टास्क कुछ इस तरीके से होगी कि बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनकी फोटोज होगी और ये फोटोज उनके अपोजिट टीम वालों को दी जाएगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि दो ग्रुप है, एक सिद्धार्थ शुक्ला का और एक रश्मि देसाई का। सिद्धार्थ शुक्ला की टीम के जो कंटेस्टेंट है उनको रश्मि देसाई के ग्रुप वालों की फोटो मिलेगी और रश्मि देसाई के ग्रुप वालों की टीम की फोटो सिद्धार्थ शुक्ला की टीम वालों को मिलेगी और दोनों टीमों को एक एक करके रीजन बताकर उनकी फोटोज को आग में डालना है। तो वही आपको बता दे लास्ट में तीन फोटोज बचेंगी और ये तीन कंटेस्टेंट होंगे कैप्टेंसी के दावेदार। ये होंगे आसिम रियाज, रश्मि देसाई और पारस छाबरा। तो वही आसिम रियाज पारस छाबरा में बहस हो जाएगी। आसिम पारस से कहते हैं पहले मेरी फोटो को आग में डाल दो, लेकिन पारस कहते हैं कि रश्मि की फोटो तुम पहले आग में डालो। आपको बता दें माहिरा के पास होती है पारस की फोटो, पारस के पास होती है आसिम की फोटो और आसिम के पास होती है रश्मि की फोटो। इसी वजह से पारस चाहते हैं कि आसिम पहले रश्मि की फोटो को आग में डाल दे, क्योंकि पारस नहीं चाहते हैं कि रश्मि इस हफ्ते घर की कैप्टन बने, जिसके बाद पारस और आसिम में बहस हो जाती है। लेकिन आसिम चाहते हैं कि पारस उनकी फोटो को आग में डाल दे क्योंकि आसिम चाहते हैं कि रश्मि इस हफ्ते की कैप्टन बने। और इसी बीच दोनों की बहस हो जाती है, बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से बिग बॉस दोनों को दंड दे देंगे। अब इतना तय है कि ये तीन कंटेस्टेंट में से कोई एक कैप्टन बनेगा। जहां तक कि मेरा मानना है कि इस हफ्ते रश्मि देसाई बन जाएंगी कैप्टन, क्योंकि ज्यादातर लोग रश्मि देसाई को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा क्या रश्मि देसाई बन पाएंगी इस हफ्ते घर की कैप्टन। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं इस पर आपका क्या कहना है। अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।